उसको पेंट कर देगा यार। अच्छा। मुसलमान की तरफ हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, कोई यहाँ पर उंगली उठाए इस बात पर जनपद में। मुसलमानों से पहले कट के मरेंगे हम, मुसलमान कहाँ जाएगा? मुसलमान आ जाते हैं हमारे साथ रहा। अरे हम हिंदू कहाँ हैं? हम तो जाट हैं। हिंदू का क्या मतलब? हिंदू का मतलब तो काफिर होता है। कौन है हिंदू? कहाँ है हिंदू? ये राम के ठेकेदार हो गए क्या, या इन्हीं का राम है? जो पांच सात मुस्टंडे घूम रहे ना, मुस्टंडे गेरवा वस्त्र धारण करे, जो बोलते हैं जय श्री राम, जय श्री राम तो है ही नहीं। आप नहीं बोलते हैं जय श्री राम? ना ना ना, हम तो जय श्री राम बोलते हैं। मुसलमानों पे इतना जुल्म हो रहा है इस सरकार में कि इतना जुल्म शायद है कभी किसी सरकार में नहीं हुआ हो। किसी मस्जिद के सामने जाकर के और उस मस्जिद में ही हम जल अभिषेक करेंगे, क्या उनको रक्षा करना, अपने धर्म की रक्षा करने का अधिकार नहीं है? क्या नूह में मुसलमानों को अपनी रक्षा करने का तो बोलते हो? तो हिंदू तो सभी है, आप भी हिंदू है? नहीं नहीं नहीं, हम तो वैदिक हैं। हम तो जाट हैं, वैदिक हमारा धर्म है। हम तो आर्य समाज को मानने वाले हैं। हम तो इनमें मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखते। और रही मुसलमानों की बात, मुसलमानों ने कब किस यात्रा को रोका? मुसलमानों ने शोभा यात्रा निकल रही थी, मंदिर जा रहे थे लोगों ने। हमारे यहाँ कांवड़ यात्रा चली अभी पिछले महीने सावन के महीने में। और जगह जगह मुजफ्फरनगर से लेकर के बागपतपुरा महादेव तक मुसलमानों ने कैंप लगा रखे थे। आने जाने वाले कांवड़ियों को रोटी खिलाते थे, दवाई देते थे, उनको ठहरने का इंतजाम कर रखा था। ये मुसलमान 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 ऐसा हवा बना दिया। कितने प्रतिशत मुसलमान है इस देश के अंदर? ये लोग लेकिन वो कह रहे हैं कि नूह के अंदर जो मेवात का इलाका मुस्लिम बहुल इलाका है, वो मिनी पाकिस्तान बन गया, हिंदू हो गया, तुर्किस्तान बन गया। लेकर के चलो आप अहमद शाह अब्दाली का युद्ध उठा करके देख लो ना। अहमद शाह अब्दाली का जब मराठों का युद्ध हुआ था, मेवात के जो राजा थे, महारानी थी, उन्होंने मराठों को अन्न के रूप में खाद्यान्न भेजे थे मराठों की सेना को। 1947 में जब देश जल रहा था अग्नि से, हिंदुस्तान पाकिस्तान अलग अलग हुआ, उस समय मेवात में तो जब झगड़ा नहीं हुआ। कौन तो आज कौन करा रहा है झगड़ा? कौन झगड़ा करा? झगड़ा ये जो पांच सात मुस्टंडे घूम रहे ना, मुस्टंडे गेरवा वस्त्र धारण करे, जो बोलते हैं, क्या बोलते हैं ये? हाशी में भी मार्केट में बोल रहे थे जय जय, क्या बोल रहे थे? जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम तो है ही नहीं। आप नहीं बोलते हैं जय श्री राम? ना ना ना, हम तो जय श्री राम बोलते हैं। इन्होंने तो रामचंद्र जी को भी शिया से अलग करके रख दिया। इनका ये पाखंडी हमारे यहाँ पे ऐसे पांच सात, ये हर गांव में बिजार घूम रहे, जो रातों को फसल खाते घूम रहे, ऐसे इस पार्टी में पांच सात मुस्टंडे घूम रहे जगह जगह। हाँसी में कितना सिस्टम हुआ, हाँसी में खा पंचायत की जाटों ने, और वहाँ उन्होंने टिकैत पर आरोप लगाए। टिकैत तो हमेशा से मुसलमानों के रहनुमा रहा है टिकैत पर। आप ये बताए, अगर मुसलमानों पर जो हमला हुआ है तो जाट समाज क्या रक्षा करेगा? जाट समाज क्या प्रतिक्रिया? समाज मुसलमानों पे किसी का भी हमला बर्दाश्त नहीं करेगा। यहाँ पर मीटिंग हुई है टिकैत बंधु, हम सब जितने भी लोग हैं, जितनी जाटों की संस्था है, हम मुसलमानों को बिल्कुल अपने से अलग नहीं मानते। तो आप लोग सुरक्षा करेंगे अगर हमला होगा? आप सुरक्षा करेंगे? मुसलमानों से पहले कट के मरेंगे हम। अच्छा, मुसलमान कहाँ जाएगा? मुसलमान आ जाते हैं हमारे साथ रहा। आप यही बड़ो बाग पर चौराहे पे देखिए, उस्मानुल्लाह खान की तस्वीर देखिए, आप जाकिर हुसैन का इतिहास पढ़िए, आप इतिहास तो पढ़ो इनका, कि मुसलमान हमारे साथ नहीं रहा। मुसलमान हमारे साथ सेना में नहीं है। मुसलमान ये तमाम दुकानें मुसलमान, तो बजरंग दल के लोग है, विश्व हिंदू परिषद के लोग है, वो कह रहे कि जाट गद्दारी कर रहा, हमारे साथ क्यों नहीं आ रहा है हिंदू बन के? विश्व हिंदू परिषद, ये जो उस समय जब देश आजाद हो रहा था, जब ये वहां पर जेल में डाले गए काला पानी की, इन्होंने चिट्ठियां लिखी थी, ये अंग्रेजों के गुलाम है, ये दुर्से वो आह्वान कर रहे हैं, आपको बुला रहे हैं कि हिंदू बन के हमारे साथ आओ, कट्टर हिंदू। अरे हम हिंदू कहाँ हैं? हम तो जाट हैं, हिंदू वैदिक हमारा धर्म है। हिंदू का क्या मतलब? हिंदू का मतलब तो काफिर होता है। कौन है हिंदू? कहाँ है हिंदू? धर्म है सनातन, धर्म है बौद्ध, धर्म है जैन, धर्म है मुस्लिम, धर्म है सिख, धर्म है पारसी, कहाँ हिंदू? तो आप मंदिर नहीं जाते हो? मंदिर? हाँ। अरे मंदिर तो उन चोरों के, जो चोर लोग होते थे ना, ये शिवालय होते थे भारत में पहले। शिवलिंग पे जल चढ़ाया जाता था। और ये इसलिए बनाए जाते थे कि जो चोर किस्म के लोग थे, जो गंदी प्रवृत्ति के लोग थे, जैसे गंदी प्रवृत्ति के लोग में हिंदू विरोधी क्या थे, नूह में गंदी प्रवृत्ति के लोगों ने अंजाम दिया ना, षड्यंत्र क्या, कौन था? मानेसर पानेसर, मोनू मानेसर, हाँ पता नहीं कौन होगा, हिंदू नेता है, हम नहीं जानते कौन, हम ऐसे गंदे व्यक्ति के अपने मुंह से नाम भी नहीं लेंगे।
इन लोगों के लिए मंदिर बनाए थे, परमात्मा में आस्था जुड़ जाए। जब मंदिर के सामने से चोर उचक के जा तो एक अक्षण को वो भी ध्यान भजन हमारा धर्म है इंसानियत। जो खुराफाती किस्म के लोग हैं, चाहे वो किसी भी बिरादरी के हैं, हम उनके खिलाफ हैं। जो अच्छे इंसान हैं, चाहे वो मुसलमान हैं, चाहे वो पारसी हैं, चाहे वो जैन हैं, चाहे वो बौद्ध हैं, और बिरादरीवाद की जहाँ बात चले, चाहे वो जाट हैं, चाहे वो राजपूत हैं, चाहे वो यादव हैं, चाहे वो गुज्जर हैं, हम उन सबके साथ हैं। ठीक, आप ये बताओ, जिस तरीके की गुंडागर्दी नो के अंदर हुई, वहाँ पर तो कर्फ्यू के हालात है, इंटरनेट बंद है, वहाँ पर तो जो है योगी मॉडल लागू करके वहाँ पर बुलडोजर भी चला गया, आपको क्या लग रहा है? आपका जो इलाका है, यहाँ पे जाट और मुस्लिमों की एकता देखने को मिलती है, तो आपके इस इलाके में अगर कोई इस तरह की हरकत करेगा तो आप लोग ही क्या प्रतिक्रिया? बर्दाश्त नहीं करेंगे, उसके पत्तल ताड़ देंगे। जो यहाँ मुसलमानों को, चाहे बजरंगदल हो, चाहे हिंदू हो, वो क्या बताया आपने, विश्व हिंदू परिषद, कोई परिषद हो, यहाँ पर अगर मुसलमान की तरफ कोई लखा दिया ना, जाट उसके उसको पेंट कर देगा जाट। अच्छा। मुसलमान की तरफ हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, कोई यहाँ पर उंगली उठाए इस बात पर जनपद में। तो आपके यहाँ तो पहले भी दंगा हुआ था, तब भी तो आपके जनपद में नहीं हुआ, मुजफ्फरनगर का दंगा, मुजफ्फरनगर जनपद में इन महाराजों ने, क्या आपको नहीं मालूम कौन है हुकम सिंह जी कौन थे? आपको तो संगीत सोम तो बयान दे रहे हैं कि हम फिर जाएंगे वहाँ पे यात्रा निकालेंगे। आपको नहीं पता सुरेश राणा जी कौन थे, आपको नहीं पता भारूतेंद्र जी कौन थे, उन लोगों ने ही तो ये आग बाड़ी थी, उनके मुकदमे तो जाट के बच्चों पे हुए या मुसलमानों के बच्चे हुए, मुसलमान के बच्चे मरे या जाट के बच्चे मरे, इनका भी मरा था क्या नेताओं का कोई? हम वो दोबारा जो गलती पहले एक बार हो चुकी, हम वो तो आप लोग चौकस है की बात, वो आग हम अपने क्षेत्र में बढ़ने नहीं देंगे बिल्कुल। तो चौकस है पूरी तरह से, पूरी तरह चौकस है। हमारे नेता है किसानों के टिकैत बंधु, टिकैत बंधुओं ने भी हमें बिल्कुल कह दिया कि क्षेत्र में ऐसे कोई खुराफात करता है उसको पकड़ना नहीं, हम यहाँ भाईचारा बिल्कुल भी बिगड़ने नहीं देंगे। ठीक है, अब एक बात ये बताइए, अगर वो लोग आपको आह्वान करते हैं कि भाई जाट भी हिंदू है, वो जातियों में क्यों बट रहा है, हिंदू बनकर एकजुट हो? हम तो हिंदू है नहीं ना, हम जाट है, और जाट सदैव से दबे कुचलों की रक्षा कर पाया, हम तो दबे कुचलों की रक्षा करें। तो आपको क्या लग रहा है मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है सरकार में? बिल्कुल जुल्म हो रहा है मुसलमानों पे, इतना जुल्म हो रहा है इस सरकार में कि इतना जुल्म शायद है कभी किसी सरकार में नहीं हुआ हो। आपने देखा नहीं, संविधान इनके हाथ में, फांसी ये दे दें, संविधान की रक्षा नहीं करते, क्या हुआ थी के मंद के साथ में, क्या हुआ थी के मंद के भाई के साथ में, क्या क्या हुआ कानपुर वाले के साथ में, कौन था वो विकास दुबे जी, विकास दुबे क्या हुआ उनके साथ में, क्या किसी की गाड़ी पलट दो, किसी को मर्डर करवा दो, किसी के मकान ताड़ दो, कहीं आप जिस तरह से बोल रहे हैं आपको बुलडोजर से डर नहीं लगता क्या? योगी बाबा हाँ बुलडोजर है। देखो मैं आपको एक बात बताऊं, हमें तो किसी से भी डर नहीं लगता, हम परमात्मा में आस्था रखने वाले, हमें डर लगता है गलत कार्य करने से, हमें डर नहीं लगता इनसे, बाबाओं से डर नहीं लगता, महाराजों से हमें डर नहीं लगता, हमें डर लगता है गलत काम करने से। हम गलत काम करते नहीं, हमें क्यों डर लगेगा भैया किसी से? जिस तरीके से नू में लगातार आप मुसलमानों के समर्थन में बोल रहे हैं, लेकिन जो हिंदू संगठन के मेंबर है वो कह रहे हैं कि नू में मुसलमानों ने पथराव किया हिंदुओं पे शोभा यात्रा पे। देखो पथराव किसने किया किसने नहीं किया वो तो वहाँ की वीडियो क्लिपिंग है वो बताएंगी, बाकी आप हमारे घर पे आकर के हमें गाड़ी बकने लगोगे या हमारी मान हानि करोगे या हमारी बहन बेटियों को बकोगे तो हम अपनी सुरक्षा में क्या आवाज भी नहीं उठाएंगे क्या? इतना बुजदिल हो गए क्या हम अपनी हम सुरक्षा भी नहीं कर सकते? उसको आप हिंदू और मुस्लिम रूप क्यों दे रहे हो? वे वहां क्यों गए थे? आपने बरेली में नहीं देखा पीछे क्या होता जब कांवड़िया किसी मस्जिद के सामने जा करके उस मस्जिद में ही हम जल अभिषेक करेंगे, मस्जिद में ही जल अभिषेक करेंगे, क्या उनको रक्षा करना अपने धर्म की रक्षा करने का अधिकार नहीं है? क्या नूह में मुसलमानों को अपना अपनी रक्षा करने का अधिकार नहीं है? या वे तो मुसलमान? ठीक है, अगर आपको नूह जाना पड़ेगा तो सुरक्षा करेंगे मुसलमानों की? नहीं, अगर हम नूह जाएंगे तो हम मुस्लिम भाइयों के पक्ष में जाएंगे। अच्छा। अगर उन पर कोई हमला करेगा तो हम मुस्लिम भाइयों की रक्षा करने के लिए नूह में जाएंगे। हिंदू का क्या मतलब रहेगा? तो आप इन भगवाधारियों के साथ नहीं है? नहीं, भगवाधारी हिंदू क्या खुरापाती है क्या? हिंदू
हिंदू खुराफाती है क्या? हाँ। या भगवादारी या बजरा दंगल या विश्व हिंदू जरूरत पड़ी तो नू जाएंगे। हम बिल्कुल मुसलमान भाइयों के पक्ष में नू जाएंगे। हाँ। उनकी रक्षा कर लेंगे, नीले नू जाएंगे। हाँ। हम उनको अपने से अलग नहीं मानते और ना ही हम उनको। भारत में कितने पाकिस्तान है भाई? अमरोहा में ये पाकिस्तान बता देते हैं, रामपुर में जो नवाब पुराने नवाब का क्षेत्र है किले का, उसको ये मिनी पाकिस्तान बता देते हैं। कितने पाकिस्तान? फिर भारत है कहाँ? फिर भारत, तो भारत है कहाँ? 24 से पहले इस तरह दंगे और बढ़ सकते हैं, आपको लग रहा है? 24 से पहले इनके पास कुछ भी आ सकता है। हाँ। क्यों? इनके पिटारे में ये बाजीगर है, बड़े हमले हो सकते हैं। ये बाजीगर हैं, बाजीगर। इनके पिटारे में सांप, बिच्छू, सर्प, गुहरे सब भरे पड़े, पता नहीं क्या क्या करते हैं ये। अभी तो नूह का कांड हुआ, ये श्रीनगर में भी कुछ बीज बोने वाले, इनका तो काम है। ये यूपी में कई जगह बीज बोने, क्योंकि 80 सीट उत्तर प्रदेश। क्या संदेश देंगे जो नूह की हिंसा, नूह के लोगों को? मैं पूरे भारतवर्ष के भाइयों को, हर धर्म को मानने वाले को, हर जाति को मानने वाले को यही संदेश दूंगा, हम इंसान हैं, हमें प्यार से रहना चाहिए, प्यार से रहो। और ये जो मस्टंडे तुमने गद्दी पे बैठा दिए सब जगह, इनको उतार के फेंक दो। ये पहले भी देश के वफादार नहीं रहे थे और ये इन्होंने देखा नहीं किसान आंदोलन। अगर आपके क्षेत्र में इस तरह से लोग निकालेंगे शोभा यात्रा जिस तरीके से नूह मेवात के इलाके में हुई, तो आप लोग क्या प्रतिक्रिया करेंगे? नूह मेवात की तरह वो शोभा यात्रा नहीं थी, वो तो उपद्रव था। हाँ। उपद्रव कहीं भी बर्दाश्त इनका नहीं किया जाएगा। हाँ। अगर ये आकर के मुल्ले काटे जाएंगे, गोली मारो को, फलाना करो, ये हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, इनका पेंड कर देंगे हम। ऐसी घटना हम अपने बागपत जनपद में बिल्कुल नहीं होने देंगे। तो जाट मुसलमान साथ है, इकट्ठा है, तो इकट्ठा है, इकट्ठा था, इकट्ठा रहेगा।